हाय, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है और आज जो हम रीडिंग देकर के आए हैं वो ये रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप इस लाइफ टाइम में करने के लिए क्या आए हैं, ठीक है। और कलेक्टिव में ये रीडिंग रहने वाली है, बट यहाँ पर मैंने डिवाइन से प्रार्थना ये करी है कि इस वीडियो की तरफ वही लोग आकर्षित हो या ये वीडियो उन्हीं के सामने आए जिनके लिए इसमें मैसेज है, ठीक है, जिनकी एनर्जीज़ को मैंने पिक करा है। ओके, तो यस, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है और आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं तो 101% इसमें आपके लिए मैसेज है। ये वीडियो आपसे कनेक्ट हुई है क्योंकि बिना डिवाइन की मर्जी से आप इसको नहीं देख सकते, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोगों के सामने आया भी होगा तो उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा, ठीक है, तो ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा। जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए ही इसमें मैसेज है। ओके, तो ये टॉपिक यही है कि आप इस लाइफ टाइम में करने क्या आए हैं। ओके, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहती हूँ कि 29th of May से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मेरा 4th batch स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होना चाहते हैं और अपनी इनर विजडम को, नॉलेज को अनलॉक करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो कार्ड्स रीड करना ही नहीं सिखाया जाएगा, इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें ऐड की गई हैं जो आपकी खुद की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, जो आपके खुद की सेल्फ ग्रोथ और आपकी लाइफ में सक्सेस लाने में, आपके विशेष को फुलफ़िल करने में बहुत मदद करेगा। इसमें आपको टैरो स्पेल सिखाए जाएंगे, कैंडल मैजिक सिखाया जाएगा और भी बहुत चीज़ें आपको सिखाई जाने वाली हैं। तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें भी आपके लिए दो मेथड्स होंगे, एक ये कि आप मुझसे लाइव सीख सकते हो, ठीक है, जूम क्लासेस के थ्रू। दूसरा ये कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं किसी भी रीज़न से, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि आप इस लाइफ टाइम में करने के लिए क्या आए हो। बेसिकली ये जो 4 cards हैं यहाँ पर, ये बताएंगे कि आप इस लाइफ टाइम में क्या करने आए हो, क्या क्या होगा आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में और क्या कि हुआ है। बेसिकली ये पूरा आपके लाइफ का, जिसे कहते हैं ना कि आप खुद रेजोनेट कर पाओगे, अगर ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही होंगी तो आप कनेक्ट कर लेंगे, नहीं होंगी तो भी आपको पता चल जाएगा। ये जो सिचुएशन है आपकी, ये 3 cards ये बताएंगे कि अभी की करंट सिचुएशंस, अभी सिचुएशंस आपकी क्या चल रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, वो सब यहाँ पर इन 3 cards से हमें पता चलेगा। ये जो 2 cards हैं यहाँ पर, ये बताने वाले हैं आपके लिए गाइडेंस अभी के लिए कि आपको बेसिकली अभी डिवाइन क्या बोल रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर स्टार्ट करना चाहूँगी गाइस कि आप लोग जो हो, देखिए ये जो रीडिंग है ना, बिल्कुल शांति से सुनने की ज़रूरत है आपको, इसमें जल्दबाजी नहीं चलेगी, अदरवाइज आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, राइट, क्योंकि ये आपकी लाइफ की बात है। ओके, कि आप यहाँ पर करने एग्जैक्टली क्या आए हो। ओके, अभी की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है आप लोगों की कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो ना, कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं बेसिकली, जिनसे आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपको खुद को इमोशनली मेंटली आपको खुद को पता चल रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं है, ये लाइफ पाथ मेरे लिए नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, ठीक है, उन चीज़ों को आप बेसिकली इस मोमेंट पर ना आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, आप उनको छोड़ करके जो लोगों ने या फिर जिन चीज़ों ने या फिर जिन सिचुएशंस ने आपको पेन दी है, आपको दुख दिया है, ठीक है, बेसिकली वही चीज़ें ना जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, एग्जैक्टली आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रही है, जिससे जिन चीज़ों से आप दुखी हो, जिन चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं कर तो रहा हूँ पर ये मेरे लिए है नहीं, अंदर से वो वाली जो फीलिंग उठती है, या फिर किसी पर्सन की, किसी रिश्ते की ही एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो आपने जो उम्मीदें बांधी थी उस पर्सन से, वो उम्मीदें आपकी फुलफ़िल नहीं हुई बेसिकली। तो कहने का मतलब ऐसे लोगों से आप मूव ऑन कर रहे हो, आपने ना बहुत छंटनी करी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है,
ये रीसेंट पास्ट की भी एनर्जीज हो सकती हैं, पास्ट की भी थोड़ी, और पास्ट की मतलब एक साल छः महीने, ठीक है, मुझे डेढ़ साल की भी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, आठ महीने की भी एनर्जीज मिल रही है, और कुछ लोग अभी उस काम में जारी हैं कि यस, जो लोग मेरी एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जो लोग मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं हैं, कहने का मतलब जो मुझे सर्व ही नहीं करते हैं, जो दो मुँहे लोग हैं, मेरे सामने कुछ और हैं, मेरे पीठ पीछे कुछ और हैं, ऐसे लोगों को मैं छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब मतलब आपने बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सएप पर भी आप में से बहुत लोगों ने ऐसे लोगों के नंबर्स को हटा दिया होगा, ठीक है, अभी वो चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके जो है फ्रेंड सर्कल्स में ही क्यों नहीं हो, मतलब आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से उनसे डिसकनेक्ट हो रहे हो, जिस तरीके से आप हो सकते हो, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप लोग इस जीवन में करने क्या आए हो, ठीक है। ये जो लाइफ टाइम है गाइस, आप लोगों को करना क्या है, जितना आप अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होंगे, आपके अंदर ना भर भर कर क्रिएटिविटी है। अगर आप अपने बचपन की अगर यहाँ पर बात करें ना, तो अगर आप इस समय यंगस्टर्स हैं, जो बहुत बचपन का टाइम आपका होता है, उस समय आपके माइंड में ना बड़े सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ पाते थे। मे बी आप आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, पेंटिंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, कहने का मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट करना, ठीक है, कोई वेस्ट मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है उससे कुछ क्रिएट कर देना, कहने का मतलब ऐसी चीज़ें, आपको शौक था उन चीज़ों का। तो कहने का ये मतलब है, वो शौक ऐसे ही नहीं आपको मिला, ठीक है, वो गिफ्ट आपको ऐसे ही नहीं मिला। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस लाइफ टाइम में जितना आप अपनी क्रिएटिविटी को आप यूज़ करोगे, जितना आप नई नई आइडियाज़ को यूज़ करोगे ना, उतनी ही आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, उतनी ही आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, नए पोर्टल्स आपकी लाइफ में खुलेंगे, ठीक है, और सक्सेस की तरफ बेसिकली आप जाओगे। आपको सफलता मिलेगी ही वहीं से जहाँ आप अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाओगे, नए नए आइडियाज़ को लेकर आओगे, यूनिक आइडियाज़ को आप लेकर के आने वाले हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये आपको खुद को भी अभी फील हो रहा होगा कि अगर आप कोई 9 to 5 की अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आप वहाँ पर खुश नहीं हो, मतलब एक होता ना कि फीलिंग आ जाती है कि बस करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि कुछ अंदर से एक फायर आ रही है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ अलग करना है मुझे। वो अलग क्या है, वो आपको यहाँ पर आपकी आत्मा जो है, आपकी सोल जो है, आपको कह रही है अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट हो, अपने क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो। तो जितना आप अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होगे, उतनी ही आपको ऐसी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, उतनी ही आपकी लाइफ में और पॉसिबिलिटीज़ आएंगी और नए पोर्टल्स ओपन होंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर ये भी ये मैसेज है कि देखिए, इस लाइफ टाइम में ना गाइज, ये जितने भी लोग आप लोग यहाँ पर देख रहे हो इस समय में, आप अभी इस मैसेज से समझ जाने वाले हो इस रीडिंग को लेकर के, कि आपकी ज़िंदगी में ना बदलाव बहुत सारे आए होंगे, ठीक है, चेंजेस। अभी ये फिज़िकल ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जॉब जो है बार बार आपने बदली होगी, बिजनेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, घर बदलना हो सकता है, मतलब आपकी ज़िंदगी में ना ट्रैवल बहुत रहा है। ये ट्रैवल मैं खुशी का ट्रैवल नहीं देख रही हूँ कि बस आपको जैसे होता है ना कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो, कुछ अच्छा नहीं लगा या कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको घर शिफ्ट करना पड़ा, जॉब में कुछ प्रॉब्लम है, जॉब चेंज करनी पड़ी या जॉब से निकल गए, बिजनेस सही नहीं चल रहा, तो मतलब यहाँ पर चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मतलब ये बेसिकली हार्डशिप को बता रहा है कि इस लाइफ टाइम में आप बहुत हार्डशिप देखोगे, बहुत मुश्किल समय को आप देखोगे, बहुत चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स को बेसिकली आप फेस करने वाले हो, लेकिन ये आपकी डेस्टिनी में बेसिकली लिखा हुआ है कि आप इस हार्डशिप को ओवरकम करोगे, इस पर विजय हासिल करोगे, ये चीज़ें आएंगी आपकी ज़िंदगी में, ये आप लिखवा करके आए हो ऊपर से, और इसके बाद आप इस पर विजय हासिल करोगे, अपने आप को, अपनी सिचुएशन को हील करोगे, अपने पैरों पर खड़े होगे। यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ, यहाँ पर कुछ भी आपको पका पकाया बना बनाया नहीं मिलने वाला है। एक होता है ना कि विरासत में कोई चीज़ मिल गई,
समझ रहे हैं आप लोग कि विरासत में कोई चीज़ मिल गई, पेरेंट्स की तरफ से कुछ पैसा मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, नहीं। यहाँ पर आप अपने बलबूते सारी चीज़ों को यहाँ पर बनाने वाले हो, आपका खुद का हार्डवर्क लगेगा यहाँ पर, और इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आप चेंजेस को भी देखोगे, शिफ्ट्स को भी देखोगे, और बहुत सारे हार्डशिप को आप बेसिकली यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स को आप देखने वाले हो, ठीक है। कुछ लोग तो देखते हुए आ ही रहे हैं और कुछ लोगों का भी चल भी रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में हीलिंग भी आएगी, ये प्रोसेस है आपका, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देन आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके जो गाइडेंस के भी जो कार्ड निकल कर आए हैं, सेम वही है, ये कार्ड एग्जैक्टली यही बताता है, एम्परर का कार्ड, कि जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, वो एक सफलता, एक वो संपूर्णता आपको मिलेगी कि हाँ अब एक जगह टिक गए हम, ठीक है, यहाँ पर मैं संतुष्ट हूँ, बेसिकली मेरा परिवार खुश है, मैं अंदर से खुश हूँ। लेकिन उससे पहले बहुत मेहनत लगी है, बहुत, ये इंसान को आप देख रहे हो, अगर आप देखोगे कितना कठोर इंसान ये लग रहा है, तो इसको जीवन ने लेसन सिखाए हैं, तब जा करके ये इतना कठोर, इतना परिपक्व हुआ है, और तब जा करके इसको वो स्टेबिलिटी मिली है। तो वही चीज़ें आप अपने जीवन में यहाँ पर फेस कर रहे हो, करने आए हो, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ज़िंदगी में सेटल होना है, ठीक है, आपको ज़िंदगी में स्टेबल होना है, तो आपको इन चैलेंजेस को फेस करना होगा। और ऑलरेडी अगर आप इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, तो इस बात से खुश हो जाइए कि आप उस प्रोसेस में हो, इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। क्योंकि ये कार्ड आपको क्या बताता है, फोर ऑफ कप्स का कार्ड, ये कार्ड यही बताता है कि आप ना अपने एक्सपीरियंस है, ये जो भी आपका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, उससे आप ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप हो जाते हो, बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जीज में चले जाते हो, जिस वजह से होता क्या है ना कि आपके सामने से अपॉर्चुनिटी आती है और निकल जाती है, आप उसे ग्रैब ही नहीं करते हो, आप इतनी लो वाइब्रेशन में चले जाते हो अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना सेल्फ डाउट करना अपने ऊपर ही, कि मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे में ये इतनी एबिलिटी नहीं है, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, लोअर एनर्जीज में आप लोग चले जाते हो। तो आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस चीज़ से आपको बाहर आना है, जितना आप इन चीज़ों के बारे में, इन स्ट्रगल्स के बारे में सोचोगे, उतना आप अपनी एनर्जीज को लो कर लोगे। शायद इसीलिए भी आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हो, इसलिए ही मुझे डिवाइन ने बोला कि इस टॉपिक पर मुझे ये वीडियो बनाना है। समझ रहे हैं आप कि ये हार्डशिप के बाद आपके पास सफलता आ रही है, तो इससे ना आपको घबराना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है, अपने आप को खड़ा करके आगे बढ़ना है। एटलीस्ट आप ये सोचिए, ये जो मैं हार्डशिप देख रहा हूँ, इस पर मैं जीतूंगा भी, और मुझे सफलता भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी, मेरी लाइफ सेट भी होगी, राइट। तो घबराना नहीं है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ का मंत्रा पता है क्या है गाइज, आपकी लाइफ का मंत्रा यही है कि एक तो पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो, दूसरा अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो, ठीक है, अपने परिवार के साथ अच्छे पलों को बिताओ, और हर चीज़ के लिए, इवन रात को खाना खा पा रहे हो, ठीक है, सुबह उठ पा रहे हो, रात को चैन की नींद सो पा रहे हो, आपके पास एटलीस्ट बेड है सोने के लिए, हर एक छोटी चीज़, ये जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक छोटी चीज़ के लिए डिवाइन को थैंक यू बोलिए, जीवन में इस मंत्रा को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की भी एनर्जीज आई हैं, अगर आपके पास समय है, खास करके देखिए समय सबके पास होता है, रात में तो एटलीस्ट होता ही है सबके पास, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास सुबह भी समय होता है, तो लिखना शुरू कर दीजिए, जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उन्हें लिखिए। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली बात है, सिर्फ आपको कंप्लेंस ही नहीं लिखनी है कि मेरी ज़िंदगी में ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ 5 चीज़ें या 6 चीज़ें ऐसी निकालनी है जिनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो, रोज़ उनको भी लिखना है, समझ रहे हो आप। फिर देखिए कि किस तरीके से आपके ये थॉट्स कैसे ट्रांसम्यूट होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, ये जो आप लोअर वाइब्रेशंस में आप लोग चले जाते हो ना,
वो एनर्जीज़ कैसे ट्रांसम्यूट होती है। तो लिखने की आदत डालिए, बोला नहीं जाता क्योंकि बहुत से लोग हैं देखिए ऑफिस में होते हैं, कैसे चैंट करें, इतना काम करना होता है, इतना समय नहीं होता किसी के पास, राइट। अगर आप कुछ ना कुछ बोल रहे हो तो आसपास के लोग भी मजाक उड़ा सकते हैं, भाई क्या बोल रहे हो तुम, क्या बड़बड़ाते जाते हो, कहने का मतलब। तो इसके लिए आप जो है जर्नल कर सकते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में कीजिए, नाइट में कीजिए, नून में कीजिए, मतलब दिन शाम कभी भी, पूरे दिन में आपको जब भी वक्त मिल रहा है तब कीजिए। रात को सोने से पहले का वक्त भी बहुत अच्छा होता है, आप तब भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके लिए जो कार्ड है यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो कि ये बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसे आने वाली हैं जो आपको बहुत चकाचौंध में लेकर के जाएंगी, एग्जैक्टली इल्यूजन्स में डालेंगी, समझ रहे हो। मतलब ये जो इशू है ना, ये जो क्रिएटिव साइड का आपका इशू है, ये इसी से कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत, जिसे कहते हैं लुभावने ऑफर आ जाना, अब भले ही उसमें आपको जो है आपको वो चैन नहीं मिल रहा, आपको वो खुशी नहीं मिल रही, लेकिन एक होता है ना कि आंखें चमक गई, अच्छा इतना पैसा मिलेगा मुझे इसमें, तो आप अट्रैक्ट हो गए, वहाँ आप जो है डाइवर्ट हो गए अपने पाथ से। तो ये सिचुएशन भी आपकी ज़िंदगी में आएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस सिचुएशन को समझो, दैट इज़ वाई आप अभी इस रीडिंग को सुन रहे हो। आप कहोगे कि मुझे अब ये समझाने का या बताने का क्या फ़ायदा है, ये बताने का इसलिए फ़ायदा है कि अब दोबारा वो गलती मत करना, इससे लेसन सीखो। दोबारा किसी, जिसे कहते हैं ना कि ऊपर से वो आपको क्या पैकेट नज़र आ रहा है, इतना चमकीला, लेकिन अंदर उसके क्या बेकार चीज़ है, वो हार्मफुल हो सकती है, वो आपके लिए सही नहीं हो सकती है, तो उस तरफ मत जाइएगा कि आपको जो चीज़ आँखों को चमका रही है ना कि हाँ इतना प्रॉफिट है, इतना पैसा मिलेगा, भले ही आप उस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन पैसे के कारण आप उस तरफ जा रहे हो, तो वो काम से आपको बचना है क्योंकि हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उस तरफ जाएंगे। तो ये एक लेसन है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ में ना बार 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 रिपीट होगा जब तक कि आप इससे सीख हासिल नहीं कर लेते हो, समझ रहे हो आप। तो कहने का मतलब पैसा सबको चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पैसा सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, पर एक वक्त पर आपको ये बहुत समझने की ज़रूरत होगी ज़िंदगी में कि पैसे से ज़्यादा ना मुझे संतुष्टि भी मिलनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो आपकी क्रिएटिव साइड की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पर तो आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलने जा रही है, इससे ज़्यादा और क्या मैं बताऊँ आपको, समझ रहे हो आप। ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ये आपको लुभाने आएगा, लुभाएगा, आप जाओगे, आप उस काम को करोगे, अभी वो किसी भी वे में हो सकता है। देखिए आपकी ज़िंदगी में ये किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, ये किसी जॉब करियर पाथ को लेकर के भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको देखिए, ठीक है, ओवरऑल लाइफ, क्योंकि आपकी लाइफ की बात हो रही है, ओके। तो आपको वो चीज़ ऐसी दिखेगी लेकिन आपको जाना नहीं है उस तरफ, आपको ये देखना है कि मेरे लिए क्या सही है। आप उस जगह पर जाओगे, काम करोगे, फिर जब आप आगे बढ़ोगे ना, कुछ समय बीतेगा तो आपको समझ में आएगा, ओहो ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी, मैंने फिर अपने माइंड को जो है भटका दिया, मेरा माइंड भटक गया। तो थोड़ा ना इस चीज़ को बैलेंस करके चलना है आपको, बोला जा रहा है, ओके। इस समय की अगर मैं बात करूँ तो भाई आप बहुत ही अपनी फेमिनिन एनर्जीज में हो विद दी एम्प्रेस कार्ड, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके जो भी यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि भाई आपके बड़े ही बुरे हालात हैं। आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए ना गाइस आपकी, तो आप उससे बहुत इम्प्रूव हुए हो, भले ही कंप्लेंस अभी भी करते हो आप अपनी ज़िंदगी में कि मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है, इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, इनफ नहीं है ये, बट आपको यहाँ पर इस कार्ड के साथ जो मुझे डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि आप उतने कैपेबल, उतने हो, आप ऐसे नहीं हैं कि कंप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, इतना आपको ईश्वर ने दिया है इस समय, ओके, विद दी एम्प्रेस कार्ड। बस आपको उसको एम्ब्रेस करना है, उसके लिए थैंकफुल रहना है, कंप्लेन्स नहीं करनी है, ठीक है। आप अपने बलबूते अपने आप को चला रहे हो, ठीक है, एक अच्छे समय को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, बट वही है ना कि कंपेयर करना
कभी पास्ट के साथ कंपेयर, अभी जब कभी आप पास्ट के साथ कंपेयर करते हो ना 10 साल पहले के, अगर आपको सोचो कि मैं 10 साल पहले क्या था या 10 साल पहले क्या थी, तो आप अभी अपने आप में बहुत प्राउड फील करोगे कि यस मैं बहुत आगे आया। लेकिन अभी की सिचुएशन में ना होता क्या है, हो क्या रहा है आपके साथ कि कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं होता ना कि सारी चीज़ें ही मिल गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं आपकी ज़िंदगी में या उस तरीके से नहीं चली जैसे आप चाहते थे, तो उसमें कंप्लेंस हैं फिर आपके, खासकर रिश्तों को लेकर के। मुझे रिश्तों में अनबन यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के, रिश्तों के, जैसे कि आपके आसपास जो लोग हैं आपको ऐसा लग रहा है कि यस आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रही टू फेसेस लोग हैं, दैट इज़ वाई आपके पास ये आपके लिए ये कार्ड्स निकल कर आए हैं, ठीक है। आप इस समय ये कर रहे हो और आप रॉन्ग नहीं हो बिल्कुल भी, विद द एट ऑफ कप्स, राइट। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको चीट कर रहे हैं या फिर दो फेसेस लेकर के चल रहे हैं, आपके सामने कुछ और हैं, आपके पीठ पीछे कुछ और हैं, आपकी प्रोग्रेस से, आपकी प्रगति से वो खुश नहीं हो रहे हैं। तो जिनके बारे में मैं कहूँगी, अभी आपको पता चला है कुछ के बारे में और उनको आपने रिलीज़ किया है अपनी ज़िंदगी से, और आगे भी आपको पता चलेगा और आप रिलीज़ करते जाएंगे, समझ रहे हैं आप। लेकिन उस चक्कर में हो क्या रहा है ना कि आप और लोगों पर भी, जो लोग आपके अपने हैं उन पर भी आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं कि जैसे सभी एक जैसे होते हैं, वो एक थॉट्स आपके अंदर आ जाना कि सभी ही ऐसे होते हैं, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके वेल विशर्स जिन्हें बोलते हैं, चाहे वो एक है, दो है, या 10 है या 20 हैं आपके, ठीक है, अभी की एनर्जीज में, वो आपके साथ बिल्कुल ट्रूली, मतलब जिसे कहते हैं ना ऑनेस्ट हैं आपके साथ, तो उनकी कद्र कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। इस समय आपके मूड ना मैं कहूँगी यूं हैं, कभी यूं और कभी बिल्कुल हाई टाइड समझ रहे हो, कभी आप बिल्कुल लो वाइब्रेशंस में आप लोग चले जाते हो, कभी बिल्कुल हाई एनर्जीज में आ जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, कभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इस समय आपके जो मन की स्थिति है ना, बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली अभी राइट नाउ की एनर्जीज में कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, किस तरफ, किस पर मुझे ट्रस्ट करना है, किस पर मुझे ट्रस्ट नहीं करना है। इवन ये लोगों पर तो है ही है, सिचुएशंस पर भी है, अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं अभी की टाइम में, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आ रहा मैं किस पाथ को फॉलो करूँ या किस पाथ को फॉलो नहीं करूँ, वो एनर्जीज आपकी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है बीच बीच में। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पूरी तरीके से है, ये मुझे रिसेंट पास्ट की आपकी एनर्जीज मिल रही है कि आपका मन जैसे अस्थिर है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी ये बिल्कुल अभी की ऊर्जा है, जब आप ये देख रहे हो या फिर जैसे ही आप इस रीडिंग को देखोगे, जस्ट उसके बाद की एनर्जीज होंगी, कुछ दिनों के बाद की एनर्जीज होंगी आपको, आने वाले समय में ना बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। ये जिस भी चीज़ को लेकर के आप कंफ्यूज हो, आपको पता चल गया होगा, अभी आपकी इंट्यूशन ने बता दिया होगा तुरंत के तुरंत, जैसे ही मैंने ये बात बोली है ये वही चीज़ है। तो जिस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज हो ना, आपको आगे क्लैरिटी मिलने वाली है। कुछ लोगों को मिल गई है अभी, कुछ लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। जिनको अभी मिल गई है ना, वो क्लैरिटी तो मिल गई है, आपको पता चल गया, लेकिन कभी कभी फिर भी, क्योंकि मून है ना यहाँ पर, कभी कभी आप फिर भी फ्लक्चुएट करते हो, डाउट्स ले आते हो, समझ रहे हो, डाउट्स की एनर्जीज में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो डाउट है बैठा हुआ, इल्यूजन बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। सबसे बड़ी बात, ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि इस समय जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना गाइस, उस पर ट्रस्ट करो, आगे बढ़ो, ट्रस्ट करना है आपको उस पर। और ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है आपको कि आने वाले वक्त में या इस समय राइट नाउ की एनर्जीज में आपको क्लैरिटी मिलेगी, और आप जो भी, ये ना ऐसा नहीं होगा गाइस कि ये मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ कि आप कुछ गलत डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, मैं कहूँगी ये जो वक्त है ना, आई थिंक इसलिए ही मुझे डिवाइन ने बोला कि इस टॉपिक पर ये रीडिंग बनानी है, कि इस समय आपके साथ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि डिवाइन की एंट्री है यहाँ पर, देख रहे हो, एंजल है यहाँ पर, डिवाइन की एंट्री है आपकी ज़िंदगी में। तो आपको, आपके ध्यान को आकर्षित किया जाएगा उस पाथ की तरफ ऑटोमेटिकली जो आपके लिए सही है। तो कहने का मतलब, आने वाले समय में आप जो भी डिसीज़न बनाने वाले हो, या अभी 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 जस्ट अराउंड की ही बात कर रही हूँ,
कुछ ही दिनों में आप जो भी डिसीजन बनाने वाले हो वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पकड़ करके ना डिवाइन आपकी नज़र उधर लेकर जा रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, हो आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको आकर्षित खुद कर रहे हैं, आप यूं ही इस वीडियो को नहीं देखोगे या यूं ही उस जो आपको डिसीजन लेना है उस तरफ आप आकर्षित हो जाओगे, ये बाय चांस नहीं होगा, ये डिवाइन ही करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं, ये उनका प्लानिंग है इस समय में, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। और इसके बाद ना आपकी ज़िंदगी बहुत बदलने वाली है, जब आप ये देखने वाले हो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, बिलीव मी, क्योंकि मैंने बोला ना ये रीडिंग तो सबके लिए है ही नहीं, इस रीडिंग पर आएंगे वही लोग जिनके लिए ये मैसेज है, जिनके लिए यहाँ पर रीडिंग है, और ये मैंने स्पेशल यहाँ पर प्रार्थना करी है डिवाइन से कि सिर्फ वही लोग आए जिनके लिए ये मैसेज है, राइट। और आपके लिए अभी के लिए गाइडेंस देखो वही है जो मैं पहले ही बोल रही हूँ, भले ही मेरे मैसेज रिपीट हो रहे हैं, आई डोंट केयर, ठीक है, कि फॉलो योर क्रिएटिव साइड, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर, आपको ना नई नई आइडियाज़ को लेकर के आने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, नई चीज़ों को चूज़ करने की ज़रूरत है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगेन कि जिस जगह पर आप हो उससे बाहर की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ जो आ रही है या आपके हाथ में है उस तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए फॉरेन जर्नी हो सकती है, फॉरेन कंट्री से अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब कि कुछ है अभी आइडिया को लेकर के हो सकता है, अभी आपके जिसे कहते हैं कि जगह को लेकर के हो सकता है कि आपको अपने कम्फर्ट जोन को छोड़ना है, अभी तक आप जो करते आए थे ना उसे हट करके कुछ करना है, जिस चीज़ को लेकर के आपको ऐसा लग रहा था कि क्या कहते हैं ना कि रिस्क है, तो उसको लेकर के आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है इस समय कि वक्त बिल्कुल परफेक्ट है अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने का, डिसीज़न लेने का, क्योंकि ये वक्त में, ये जो वक्त है, मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसे ही नहीं हो जाएगा सब कुछ, डिवाइन कर रहे हैं, इस समय जो भी आप प्लानिंग करोगे बिल्कुल परफेक्ट होगी, जो भी डिसीजंस लोगे बिल्कुल परफेक्ट होगा, और आपको प्रोग्रेस ही मिलेगी, आपको ग्रोथ ही मिलेगी, आपको सक्सेस स्टेबिलिटी ही मिलेगी, ठीक है। आप बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि अभी तक आपकी ज़िंदगी में बड़े सारे टावर के मूवमेंट आए होंगे, आप ऊपर चढ़े फिर गिरे, चढ़े फिर गिरे, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो करियर है, कुछ भी है, लेकिन अब जो फाउंडेशन होगा ना वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी, अब वो स्ट्रक्चर रेडी होगा, वो जो बेस का स्ट्रक्चर होता है ना वो बिल्ड होने वाला है इस टाइम पीरियड में, समझ रहे हो आप। और ये वक्त में आपके लिए मतलब इस समय में आपको जो है अपनी इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। और ये कार्ड जो है यहाँ पर अपर डेक में आया था, यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि इस वक्त में जो है मेडिटेशन कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन के थ्रू भी आपको डिवाइन बहुत सारी गाइडेंस देने वाले हैं। और एक बात और बता दूं गाइस, जो भी आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पर इस समय, मेरे व्यूवर्स, इस समय जो भी ड्रीम्स आपको दिख रहे हैं बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं, बहुत ऊटपटांग ड्रीम होंगे वो आपके, समझ रहे हो, बहुत ही ऊटपटांग ड्रीम होने वाले हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या मुझे नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा है। लिखो, जर्नल करो, उसको लिख डालो, भले ही वो समझ में नहीं आ रहा है, बाद में उसको डिकोड करना। ओह माय गॉड, लिटिल ग्रास होपर टाइप ये इंसेक्ट है, यहाँ पर एक आपको दिख नहीं रहा होगा ग्रीन कलर का, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की ही बात करता है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी है, ओके, तो आपके गाइड्स, आपके जो इष्ट है वो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, जो भी साइंस, जो भी सिंक्रोनिसिटीज, नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में ये सब लिखा है, ठीक है, बस आपको इसको डिकोड करना है। और मैं ये नहीं कह रही, ऐसा बहुत कमी होता है कि लोग मतलब अगर आप मेडिटेशंस में नहीं है, इस साइड में नहीं है, कि लोग उन्हें डिकोड यूं ही कर लें, वक्त लग जाता है, लेकिन इट्स ओके, आप ट्राई तो करो,
जब आपको ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ दिखे ना, खासकर नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ अगर आपको दिखें, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, ये थोड़ा सा मैं चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो इस समय आपको डिवाइन ये बता रहे होते हैं कि अपने थॉट को तुरंत चेंज करो। तुरंत आपको अपने थॉट को चेंज करने की ज़रूरत होती है। और उसी वक्त अगर आप कुछ जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव सोच रहे हो, या फिर कोई प्लानिंग्स कर रहे हो, आप कोई आप डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हो, किसी एक चीज़ को आपने चूज़ करा है और आपको ये सिंक्रोनिसिटीज दिखी हैं, तो समझ जाइए ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है माय डियर। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से भी आप डिकोड कर सकते हो अपने लाइफ में। और एक चीज़ और है यहाँ पर जो डिवाइन आपको थोड़ा सा ना हाईलाइट कर रहे हैं, उस चीज़ पर आपके लिए आपका थ्रोट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज़ अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, खास करके अपने थ्रोट चक्र पर आप काम कीजिए, ठीक है। थ्रोट चक्र पर आपको काम करने की ज़रूरत है। देखिए, तीन चक्र ना मेन होते हैं जिनको बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बाकी के चक्रास फिर भी जो है इजीली ओपन हो जाते हैं या बैलेंस हो जाते हैं, बट जो रूट चक्रा होता है हमारा, जो बेस चक्रा जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं, वो एक हार्ट चक्रा और एक थ्रोट चक्रा, ये तीन चक्रास होते हैं जिनको बैलेंस और ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत वक्त भी लगता है। तो आपको बोला जा रहा है कि थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए। इसकी आप चैंटिंग कर सकते हो, एफिमेशंस भी थ्रोट चक्रा की आपको मिल जाएंगी। मैंने कम्युनिटी में बहुत पहले डाली थी, अगर आप स्क्रॉल कर सकते हो तो जाकर देख लेना, ठीक है। तो यस, आप चैंटिंग्स कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, इसके थ्रोट चक्रा के बीज मंत्रा की भी चैंटिंग कर सकते हो। हम होती है इसकी बीज मंत्रा होता है हम, ठीक है, तो आप उसकी चैंटिंग भी कर सकते हो। तो यस माय डियर व्यूवर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी के लिए इसमें मैसेज है, कोई इस रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो, उसके लिए इसमें मैसेज हो, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से आपको बताना चाहती हूँ, 29th ऑफ मई से जो है मेरा टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है गाइस, ठीक है, तो मैसेज कीजिएगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।